हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब फाइन होंगे। स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। तो रेडी हो स्टडी के लिए? तो ओपन योर वर्कबुक। आज हम वर्कबुक में वर्क करेंगे। पहले हम बात करते हैं अगले वीडियो की। तो अगले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 11 टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन करवाया था और स्वाध्याय और शब्दार्थ मैंने वर्कबुक में लिखने के लिए दिए थे आपको। ओके, तो आई होप कि आपने होमवर्क किया होगा। तो स्टूडेंट, ओपन योर टेक्स्ट बुक। सॉरी, ओपन योर वर्कबुक और चैप्टर नंबर 11 ओपन कीजिए। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 11, सच्चा बालक जीवन प्रसंग। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट लिखना हम साथ साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए और लिखिए। तो इसमें क्या करना है आपको? रीड एंड राइट। ओके, तो ये आपको रीड करना है कि लड़का मेरे पास 40 अशरफिया है। लड़का कह रहा है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। तो आपको रीडिंग करना है, उसके बाद आपको नीचे ये अंडरलाइन है उसके ऊपर आपको लिखना है। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि आपको पढ़ना है और नीचे लिखना है। तो ये आप खुद करिएगा, ये आपके होमवर्क में समझ लो। वीडियो ख़त्म होने के बाद में लिखना। अब आप क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई काफिला कहाँ जा रहा था? तो कहाँ जा रहा था काफिला? बगदाद। लड़के के पास कितनी अशरफिया थी? तो 40 अशरफिया। काफिले पर कौन टूट पड़े? तो डाकू। बालक चुपचाप क्या देखता रहा? लूटमार। डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया? लूटमार करना छोड़ दिया। सच बोलने वाले बालक कौन था? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो बगदाद। तो आई होप कि आपने आंसर लिख लिए होंगे स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ओके, तो लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? तो लिखिए, लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी में अस्तर में रखी थी। लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकू लड़के को किसके पास ले गया? तो डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? तो लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी 40 अशरफिया दिखाई।
तब डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। अब डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की? तो डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। ओके, तो पेज टर्न योर पेज स्टूडेंट, पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 4, मुहावरे और उनके अर्थ के सही जोड़े मिलाइए। तो अब आपको क्या करना है कि ये जोड़े मिलानी है। तो आपको मैंने यहाँ पे देखो मैंने नंबर डाले हुए, तो आपको नंबर लिखने नहीं है, आपको सही आंसर लिखना है। ठीक है, तो पता चलना तो क्या है कि भाई मालूम होना, तो आपको यहाँ पे लिखना है मालूम होना। घुटने टेकना तो आएगा हार मानना। नेक रास्ते पर चलना तो सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा तो बहुत प्यारा। कान फूकना तो किसी के विरुद्ध कुछ कहना। टूट पड़ना तो 4 नंबर आएगा, हमला कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो यात्रियों का समूह तो उसे क्या कहते हैं हम, काफिला। लूटना और मारना तो क्या कहेंगे, लूट मार। सोने का सिक्का तो असरफी। क्वेश्चन नंबर 6, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रास्ते में खाली जगह पर डाकू टूट पड़े, किसके ऊपर टूट पड़े, काफिले पर। लड़के ने अपने खाली जगह फाड़ डाली, क्या फाड़ डाली, सदरी। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए खाली जगह रास्ते पर नहीं चलते। कौन से रास्ते पर नहीं चलते, नेक रास्ते पर। सच बोलने वाले बालक का नाम खाली जगह था, क्या नाम था, अब्दुल कादिर। क्वेश्चन नंबर 7, सही वाक्यांश सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे, आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई लूट मार करने लगे। ओके, तूने इन असरफियों का पता हमें क्यों नहीं बता दिया, हमें क्यों बता दिया, तो ये अ आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यह छोटा बच्चा ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला, क, तो आपको यहाँ पे पूरा सेंटेंस पूरा करना है। अब सामने वाले पेज पर, पेज नंबर 83, बड़ा होकर अब्दुल कादिर महान संत हुआ, क्या हुआ, महान संत हुआ। ये अधूरा सेंटेंस आपको पूरा पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए। ठीक है, तो तेरे पास भी कुछ है तो ऐसा कौन बोलता है, तो लिखिए, एक डाकू अब्दुल कादिर से कहता है। तेरी असरफियाँ कहाँ हैं, तो डाकुओं का सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है। झूठ बोलना पाप है, तो अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार से कहता है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, तो क्या कहेंगे कि डाकुओं का सरदार अपने साथी डाकुओं से कहता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते, तो यह आंसर आपको खुद से लिखना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10, लड़के की माँ ने असरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सी दी थी, तो आंसर लिखिए कि लड़के की माँ ने असरफिया सदरी के अस्तर में इसलिए सी दी थी कि किसी को उनका पता न चले। ओ स्टूडेंट, लास्ट में फुल स्टॉप करना मत भूलिएगा। हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे थे कि एग्ज़ाम के पेपर में भी फुल स्टॉप नहीं किया था, और आपकी वर्कबुक में और नोटबुक में फुल स्टॉप करना सीखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला, तो लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। फिर 3 नंबर, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ, तो लिखिए आंसर, डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के बताए
नेक रास्ते पर नहीं चलता। फिर 4 नंबर, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से सीखा कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। टर्न योर पेज। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, तो पीछे आपको एक्टिविटीज़ करनी है। तो यहाँ पे पहले तो आपको क्या करना है, गोला बनाना है कि भाई देख लो सरदार तो मुखिया, ओके। ऐसे आपको दो शब्द ढूंढे और आपको गोला बनाना है। फिर समाधि, तो आप यहाँ पे समाधि ढूंढिए कि भाई समाधि कहाँ है, तो आपको यहाँ से ढूंढकर समाधि देखो यहाँ रही, और उसके बाद आंसर क्या हुआ, मज़ार। तो आपको ये मज़ार मिलेगा यहाँ पे। वैसे आपको शब्द ढूंढकर आपको बॉक्स खुद से बनाने हैं स्टूडेंट, उसके बाद आपके आंसर लिखने हैं। तो लिख लीजिए आप कि भाई समाधि तो मज़ार, बेटा तो पुत्र, आश्चर्य तो विस्मय, सदरी तो जैकेट, वर्ष तो साल, सदैव तो हमेशा, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में दिए गए शब्द और उनके विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखने हैं। वैसे हमने ऊपर समानार्थी शब्द में गोले बनाए, वैसे हमें यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द में गोले बनाने। तो ये ही आपका होमवर्क, ये भी आपको खुद से करना है। फिर लिखिए, माँ तो बाप, सच तो झूठ, नेक तो बेईमान, प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध, बड़ा तो छोटा, आज तो कल, पास तो दूर, ओके। उसके बाद सामने वाले पेज पर क्या लिखा है कि दैनिक हिंदी दैनिक पत्र, ये एक न्यूज़पेपर है हिंदी का, ओके। तो ये पेपर में जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है ना, वैसे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़पेपर की खबर यहाँ पे छपी हुई है। तो लिखिए कि भाई कौन सी तारीख का न्यूज़पेपर है, तो कि अहमदाबाद रविवार 28 अगस्त 2011 का न्यूज़पेपर है। तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। तो ये आपको पहले आपको पढ़ना है, ओके। तो ये रीडिंग करके आपको नीचे के क्वेश्चन आंसर देते हैं, तो आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो लिखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर कि भाई अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए थे। तो आपने ऊपर डेट देखी ना कि अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए है। समाचार किसके बारे में है, तो समाचार वडोदरा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। यह किस शहर का समाचार है, तो यह वडोदरा शहर के समाचार है। अब गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया, तो आंसर लिखिए ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल, ये एक युवक मंडल का नाम है। ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया। यहाँ पे समा नहीं रहा था स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया है। अब उसके बाद आपको प्रतिमा निर्माण करने के लिए सबको किसको बुलाया गया है, यहाँ से आंसर लिखा है मैंने। तो प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अपने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर उसमें गांधी जी के जीवन का कोई प्रेरक प्रसंग पढ़िए और नीचे लिखिए। ये आपको खुद से लिखना है तो खुद लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो यहाँ पे लिखा हो आप लिख सकते हो। तो लिखिए कि शिक्षक ने केटल शब्द की वर्तनी सुधारने का इशारा किया, फिर भी गांधी जी ने वर्तनी नहीं सुधारी और निरीक्षक को गलत वर्तनी वाला शब्द ही दिखा गया। फिर टर्न योर पेज, लिखिए गांधी जी को एक बार मित्रों के कारण बीड़ी पीने और चोरी करने की आदत हो गई, बाद में वे पिताजी को सच्ची बात बता देते हैं, ओके। फिर आपको दूसरा प्रोजेक्ट वर्क है, देखो आप नीचे कर सकते हो,
आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ओनली फॉर पढ़िए और लिखिए है जो वन सामने वाले पेज पर, टू थ्री और फोर, ये फोर सेंटेंस है आपको वापस आपको रीड एंड राइट देख देख कर लिखना है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो आपको ये वर्कबुक में आपको कंप्लीट करना है, और अगर मैंने टेक्स्ट बुक में आपको स्वाध्याय टिक नहीं करवाया है तो स्टूडेंट स्वाध्याय टिक कर लीजिए। तो पेज नंबर मैंने अगले वीडियो में आपको शब्दार्थ और मुहावरे ही लिखने दिए थे, है ना। तो आज आपको पेज नंबर 78 पर स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, जिसके क्वेश्चन आंसर अभी मैंने वर्कबुक में लिखवाए हैं तो आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो भी आपको वर्कबुक में से मिल जाएगा, तो आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 स्वाध्याय में करना है, जो आपकी CW में आपको होमवर्क करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि आज का वर्क आपको वर्कबुक में भी कंप्लीट करना है और होमवर्क में आपको CW में स्वाध्याय क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लिखना है। तो स्टूडेंट टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू।